हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यूज सेशन। गाइस, जेई मेंस 2021 का एक वेक्टर का सवाल है। इस क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑब्जर्वेशन 10 टू 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहना एंड क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीज़ आपको समझना है, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व होता है माई डियर फ्रेंड, उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है सवाल को। आप सवाल को जितना गौर से ऑब्जर्व करोगे आपका तीसरा आंख से, ठीक है, तो आप उतने शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये सेशन को आप लाइक एंड शेयर जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और अच्छा कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड कर सकूं। तो क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। A1 वेक्टर दिया हुआ है xi माइनस j प्लस k कैप, A2 वेक्टर इक्वल टू i प्लस yj प्लस zk, और ये दोनों कोलिनियर है ना। तो आपको बोल रहा है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk, इसका मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कोलिनियर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, तब कोलिनियर के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं वन है, यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन के मल्टीपल में, तो मैंने एक्स को वन ले लिया। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं वाई जे और माइनस वन है, तो ऑब्जर्व करके वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। इसका मतलब है ये जो वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माय डियर फ्रेंड, ये आई माइनस जे प्लस के, इस तरह का कोई वेक्टर होगा, इसके मल्टीपल में होगा, हो सकता है यहाँ पर के मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, और इसी के यूनिट वेक्टर पैरेलल में। तो सोचो इसी के यूनिट वेक्टर पैरेलल में आई माइनस जे प्लस के डिवाइड बाई रूट थ्री, कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा, एंड ऑप्शन डी आपको सेटिस्फाई कर जाएगा, आई माइनस जे प्लस के डिवाइड बाई रूट थ्री। तो कुछ नहीं करना है इस सवाल में, सिंपल एक्स वाई जेड का वैल्यू को निकाल लेना फट से, यहाँ पर मैं एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू माइनस वन, जेड इक्वल टू वन, एंड इसके यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा वो इसी के पैरेलल होगा, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो माय डियर फ्रेंड, देखो कितना जल्दी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, कोई कोलिनिटी का कंडीशन प्रूफ नहीं करना है, सिंपल ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड ये चैनल दीपांकर कुमार आईटी जमशेदपुर, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इसमें और बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।